और एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में भी लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक ने हिंदू महिला से फेसबुक पर की दोस्ती, दोस्ती के बाद शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। युवक ने शादी के लिए महिला से धर्म परिवर्तन करने को कहा, धर्म परिवर्तन नहीं करने पर महिला के साथ मारपीट की गई है। पीड़ित के अनुसार युवक ने पिस्टल दिखाकर उसे डराया। महिला ने पुलिस में शिकायत कर दी है। पुलिस ने अभी FIR दर्ज नहीं की है। पुलिस ने लव जिहाद के आरोपों का ट्विटर पर खंडन कर दिया है। महिला की पहले से ही 2 शादियां हो चुकी हैं। आरोपी युवक भी शादीशुदा है। तो ये प्रयागराज से एक मामला सामने आया है जिसमें महिला लव जिहाद का आरोप लगा रही है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता मोइन। एक तरफ महिला के आरोप हैं तो दूसरी तरफ पुलिस खंडन कर रही है लव जिहाद को। ये बिल्कुल सही बात है कि महिला का साफ आरोप है कि उसके उसको फेसबुक पर दोस्ती करके उसका यौन शोषण किया गया, और जब शादी की बात उसने की तो सीधे तौर पर लव जिहाद का ऑफर दिया गया, उसको धमकी भी दी गई जो है। और दूसरी तरफ पुलिस का ये कहना है कि महिला पहले से शादीशुदा, उसकी 2 शादियां हो चुकी हैं और अलगाव हो चुका है, और मामला कतई लव जिहाद का नहीं है क्योंकि उसकी पहले से एक बच्ची है, इसमें धर्म कहीं आड़े नहीं आ रहा है, अवैध संबंधों का मामला है, ये पुलिस का कहना है, और इसीलिए पुलिस ने अभी तक इस मामले में FIR भी दर्ज नहीं की है। शुक्रिया आपका मोइन तमाम जानकारी के लिए। तो मुस्लिम युवक ने हिंदू महिला से फेसबुक पर दोस्ती की, ऐसा आरोप महिला लगा रही है, और शादी के नाम पर लव जिहाद का ऑफर दिया गया, यानी धर्म परिवर्तन की शर्त रखी गई है। हालांकि पुलिस इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में भी लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक ने हिंदू महिला से फेसबुक पर की दोस्ती, दोस्ती के बाद शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। युवक ने शादी के लिए महिला से धर्म परिवर्तन करने को कहा, धर्म परिवर्तन नहीं करने पर महिला के साथ मारपीट की गई है। पीड़ित के अनुसार युवक ने पिस्टल दिखाकर उसे डराया। महिला ने पुलिस में शिकायत कर दी है। पुलिस ने अभी FIR दर्ज नहीं की है। पुलिस ने लव जिहाद के आरोपों का ट्विटर पर खंडन कर दिया है। महिला की पहले से ही 2 शादियां हो चुकी हैं। आरोपी युवक भी शादीशुदा है। तो ये प्रयागराज से एक मामला सामने आया है जिसमें महिला लव जिहाद का आरोप लगा रही है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता मोइन। एक तरफ महिला के आरोप हैं तो दूसरी तरफ पुलिस खंडन कर रही है लव जिहाद को। ये बिल्कुल सही बात है कि महिला का साफ आरोप है कि उसके उसको फेसबुक पर दोस्ती करके उसका यौन शोषण किया गया, और जब शादी की बात उसने की तो सीधे तौर पर लव जिहाद का ऑफर दिया गया, उसको धमकी भी दी गई जो है। और दूसरी तरफ पुलिस का ये कहना है कि महिला पहले से शादीशुदा, उसकी 2 शादियां हो चुकी हैं और अलगाव हो चुका है, और मामला कतई लव जिहाद का नहीं है क्योंकि उसकी पहले से एक बच्ची है, इसमें धर्म कहीं आड़े नहीं आ रहा है, अवैध संबंधों का मामला है, ये पुलिस का कहना है, और इसीलिए पुलिस ने अभी तक इस मामले में FIR भी दर्ज नहीं की है। शुक्रिया आपका मोइन तमाम जानकारी के लिए। तो मुस्लिम युवक ने हिंदू महिला से फेसबुक पर दोस्ती की, ऐसा आरोप महिला लगा रही है, और शादी के नाम पर लव जिहाद का ऑफर दिया गया, यानी धर्म परिवर्तन की शर्त रखी गई है। हालांकि पुलिस इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है।